शनिवार को नगर निगम के लेखा अधिकारी विजय सिंह का लखनऊ में वित्त एवं लेखा अधिकारी स्वच्छता मिशन पद पर स्थानांतरण किया गया। इसी उपलक्ष्य में कार्यवाहक अध्यक्ष नगर निगम समन्वय समिति कौशल कुमार शुक्ला के नेतृत्व में सम्मान और विदाई समारोह का आयोजन किया गया। विदाई समारोह में महापौर सीताराम जायसवाल, नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह, उपसभापति जितेंद्र सैनी, पार्षद जिया उल इस्लाम, नगर निगम के अधिकारी और समस्त विभागों के कर्मचारीगण मौजूद रहे। विदाई समारोह के दौरान लेखा अधिकारी को स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। नगर निगम कर्मचारी समन्वयन समिति के कार्यवाहक अध्यक्ष कौशल कुमार शुक्ला ने सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि मई 2012 में नगर निगम में लेखा अधिकारी के पद पर तैनात विजय सिंह ने बड़ी ही ईमानदारी के साथ कार्य किया है। नगर निगम के सभी कर्मचारियों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने कार्यों को ईमानदारी से करते रहना चाहिए। सहयोग करते रहे, अधिकारी आ गए, हम आपको बताना चाहेंगे। ये इतिहास रहा और कर्मचारियों में जहां तो हम लोगों का से देर नहीं लगती थी और कर्मचारियों का सारा काम हुआ। हफ्ता तो होने नहीं पाया। 2 तारीख पहले जब मैं काम गिनाने लगू तो सेवा समाप्त हो गई होती तो आज हम लोगों पर क्या
चाहे हम कर्मचारी विभाग के ऊपर, चाहे माननीय पार्षदों के ऊपर, क्योंकि हमारे राजेंद्र राव शाम जी बैठे, जीतन सैनी जी बैठे थे लखनऊ से, हमने लेखाधिकारी महोदय को फोन किया कि बड़ा गजब हो गया सर, मैंने सोचा जिला पत्र क्या लखनऊ से आएंगे, और उसमें आज के बारे में अधिकारी और अधिकारी की संख्या बढ़ गई है, मात्र 3 अधिकारी कितने दिन तक हुए नगर निगम को त्यागी दी के समय में हमारे अवस्थी जी के चले जाने के बाद मार्ग को अपना लेखा दिखा रही चल रही, और हम लखनऊ से आए इस तरह के आपने हम लोग को रास्ता बताया, हम लोग कर्मचारियों के नेता थे, हम कर्मचारी समाज के नेता, हम आप लोग मान बैठे हीरो वाले लेखा अधिकारी बहुत है कि 300 कर्मचारियों की सेवा मेरे गोरखपुर नगर निगम में समाप्त नहीं होने पाए। आपने पता लगा लीजिए कहीं पर तीन पूर्व मेरे कर्मचारी कहीं पर नियुक्त नहीं किए गए, और उतना नहीं हम लोग आमरासन पर सवाल प्रकाश सिंह जी बैठे हैं, त्यागी जी से जब हम लोग की वार्ता हजार कांग्रेस से हुई, इतनी कठोर वार्ता हम अपने पूरे सर्विस में कभी किए नहीं थे, उन्होंने कहा कि यहाँ तो मैं सस्पेंड हो जाऊंगा, यहाँ तो तुरंत उसको यहाँ हटा दिया जाए, हमने कहा सर मेरे सामने कोई विकल्प नहीं है, अब आपके सामने ये विकल्प है कि आप हम महात्मा गांधी बने या चंद्रशेखर आजाद बने।